बांग्लादेश में खेले गए इमर्जिंग टीम एशिया कप में भारतीय टीम के सदस्य रहे राज्य के युवा खिलाड़ी ऑलराउंडर शुभम शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद जयपुर लौटे शुभम का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने डेब्यू मैच में उन्होंने इंडिया टीम की ओर से अंडर 23 में नेपाल के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने नाबाद अर्धशतक लगाकर 4 विकेट झटके। उन्हें चोटिल हुए पार्थ राखड़े की जगह टीम में शामिल किया गया। उन्हें खुशी है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक खेलकर लौटी। आपको बता दें कि जयपुर के रहने वाले शुभम राजस्थान से कई घरेलू मुकाबले खेल चुके हैं और आईपीएल समेत विभिन्न टूर्नामेंट्स की तैयारी में जुटे हैं। मेरा फर्स्ट अभी डब्ल्यू मैच था, मैं अभी कॉल आया मेरे को इंडिया का, तो डब्ल्यू के अंदर मैंने 66 नॉट आउट और 4 विकेट्स लिए और उसके बेसिस पे इंडिया के लिए मैं फॉर्चुनेट रहा कि मैंने परफॉर्म कर पाया और इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचा। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम खेल के मुझे मेरे लिए तो बिगेस्ट अचीवमेंट है एक तरीके से कि